कुछ चाहिए बेटा? बात करें आपसे। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है, क्या परेशानी है? नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, क्यों पूछ रहे हो तुम? क्योंकि ऐसा ही है, आप ठीक नहीं हैं। आपके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपकी बेटे की मंगनी हुई है आज। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम जाओ जाके आराम कर। नहीं क्यों मैं, लेकिन जब तक खाला जान ने दुरेवे के लिए बात नहीं की थी तब तो आप रिश्ते से बहुत खुश थी, सारा को अपनी बहू बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और अब? और आपा, तुम्हें क्या लग रहा है बेटा, ये जो आनन फानन मंगनी करा दी गई है इससे आपा खुश है? नहीं बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो, ये आपा का अंदाज है अपने गुस्से का इजहार करने का। मैं खुदा ना खास्ता तुम्हारी या सारा की मंगनी की वजह से परेशान नहीं हूं, मुझे तो बार बार बस आपा का ख्याल आ रहा है, कितना मूड ऑफ था उनका, सख्त नाराज है वो मुझसे। तो खाला जान का मूड आपको आपके बेटे की खुशी से ज्यादा अजीज है क्या? नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे अपने बेटे से ज्यादा कुछ अहम हो सकता है? हाँ, लेकिन बेटा आपने सारी जिंदगी हमारा बड़ा ख्याल रखा है, बड़े एहसानात हैं उनके हम पे, यही मौका था कि मैं बदला चुका देती, जो नहीं चुका पाई। कभी कभी दिल चाहता है बेटा कि जिसने सारी जिंदगी आपके लिए हाथ बढ़ा के रखा, उसकी खुशी उसकी ख्वाहिश के लिए आप भी कुछ कर पाए। आपा मुझे एहसान फरामोश समझ रही होंगे, बस यही बात परेशान कर रही है मुझे। अम्मी, बहन भाइयों में बदला नहीं होता, बिलावजह परेशान हो रही हैं आप, ज्यादा सोच रही हैं। हाँ, वक्ती तौर पे खाला को बुरा लगा होगा, लेकिन वो दिल की साफ हैं, मुझे यकीन है वो दिल में कोई बात नहीं रखेंगी। अम्मी बस अब खुश हो जाए ना यार, आपकी बेटी की मंगनी हुई है उसकी पसंद से, और अगर खाला जाने के लिए कुछ करना चाहती हैं आप तो रिया के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लें, धूमधाम से शादी करेंगे उसकी, किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। अपने बेटे पे भरोसा करें, तो खाला जान के एहसान है ना आप पे, आपका बेटा सूद समेत लौटाएगा उन्हें। सब खुश रहा करें, आपकी खुशी मुझे खुद से ज्यादा अजीज है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। चलो मैं ठीक हूं, जाओ जाके आराम करो, काफी रात हो गई। लाता शुक्र।